हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 धूम मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर। सनी को लंबे वक्त से एक हिट फिल्म की तलाश थी और इस फिल्म ने उनकी इस तलाश को तो पूरा कर दिया है, लेकिन क्या आपको पता है इस फिल्म की सक्सेस होते ही अब सनी में आ गया है एटीट्यूड। जी हाँ, आप अगर लग रहा है आपको कि मैं गलत कह रही हूँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दरअसल ये बातें मैं नहीं कह रही, बल्कि सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, जो सनी के फैंस हैं, वो अब ये बात बोलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सनी ने अपने घर के बाहर दिखाया है कुछ महिलाओं को ज़बरदस्त तरीके से एटीट्यूड, जिसको देखकर फैंस का कहना है कि सनी को ये फिल्म की जो सफलता है वो हज़म नहीं हो पा रही है और वो बहुत ज़्यादा ही घमंडी हो गए हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के आपको बता देती हूँ आखिरकार पूरी खबर क्या है। दरअसल सनी को अपने घर से बाहर देखा गया, वो काफ़ी स्टाइल में निकले, उनके पीछे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे और अचानक से दो महिलाएं सनी के करीब आने की कोशिश कर रही थी, सनी को टच करने की कोशिश कर रही थी और सनी से पैसे मांग रही थी। और उसी दौरान सनी देओल ने उन महिलाओं को दूर रहने की हिदायतें देना शुरू कर दिया और वो उन्हें बार बार दूर रहने के लिए कह रहे थे और कह रहे थे साइड हो जाओ। जी हाँ, वो अपने हाथ के इशारों से ही उन्हें दूर रहने की इंस्ट्रक्शंस देते दिखाई दे रहे थे। और अब ये तस्वीरें तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि सनी देओल ने इन महिलाओं को पैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिए, यहाँ तक कि वो उनसे बहुत ही गलत तरीके से बिहेव आते नज़र आए हैं और ये तस्वीरों में साफ तौर पर कैद हुआ है। बता दूं आपको कि सनी देओल इन दोनों महिलाओं को अनदेखा कर कर दूर जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद लोगों ने सनी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि सनी देओल में तो बहुत जल्दी घमंड आ गया है, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, इन महिलाओं को पैसे ही दे देते क्या हो जाता आपका। ये तमाम बातें अब सनी को सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रही है। वहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीते दिनों भी एक फ़ैन ने सनी के साथ फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश की थी तो सनी उन पर गुस्से में झल्ला पड़े थे और कहा था कि जल्दी से फ़ोटो नहीं खींच सकते क्या। इस तरह की तमाम चीज़ें जो आजकल सनी फैंस के साथ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके फैंस को नाराज़ कर रहा है।